इससे पहले भी मैं आप सबको वीडियो बना के अपडेट दिया था कि ब्रांच एप्लीकेशन हम लोगों को लोन के लिए क्यों रिजेक्ट करते हैं, लेकिन मेरा रिसर्च चलते रहता है और मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से और एक जानकारियाँ मिला है। गाइज, अगर आप लोग भी इस प्रकार के एक्टिविटी करते हो ना, सो उस केस पर भी ब्रांच एप्लीकेशन आप लोगों को लोन नहीं देगा। बेसिकली एक भाई के साथ मेरा इंस्टाग्राम पर चैट हो रहा था, उन्होंने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट भेजे हैं, उसके आधार पर मैं मेरा एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगा। देख लीजिए, भाई जो कि है ब्रांच एप्लीकेशन के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनको लोन नहीं मिला था। कुछ इस प्रकार का मैसेज मिला था लास्ट पर, जहां पर साफ तौर पर मेंशन है कि ब्रांच एप्लीकेशन इस समय पर उस भाई को लोन नहीं दे सकते हैं। अभी इसके पीछे क्या कारण है, हालांकि इससे पहले मैंने कुछ वीडियो बना के अपडेट आप सबके साथ शेयर कर चुका हूं कि किस किस रीजन पर ब्रांच एप्लीकेशन हम लोगों को लोन के लिए रिजेक्ट करते हैं, लेकिन गाइज इसका केस कुछ अलग है। इस जगह पर बता तो दिया है कि भैया हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं, लेकिन रीजन क्या है, रीजन में बताया गया है वी आर सॉरी बट अनफॉर्चुनेटली यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर ए लोन बिकॉज यू वेयर लेट टू पे योर प्रीवियस ब्रांच लोन, थैंक यू। कहने का मतलब है ये जो भाई है उसको ब्रांच एप्लीकेशन से लोन नहीं मिला क्योंकि ये भाई ने इससे पहले ब्रांच एप्लीकेशन से लोन लिया था और रिपेमेंट सही टाइम पर नहीं किया है। सो गाइस, अगर आप लोग बहुत ही चालाकी करते हो कि ब्रांच एप्लीकेशन से लोन ले लेते हो और सही टाइम पर रिपेमेंट नहीं करते हो, तो फ्यूचर में इस प्रकार का मुसीबत आप सबके साथ भी हो सकता है। इस जगह पर साफ तौर पर बता दिया है कि भैया आपने पिछले वाला जो लोन है उसको सही टाइम पर रिपेमेंट नहीं किए हो, तो हम आपको लोन नहीं देंगे। अभी ये भाई को कब लोन मिलेगा इसका कुछ टाइम पीरियड भी नहीं आया है, जब एप्लीकेशन को ओपन कर रहा है इस प्रकार का ही एक ऑप्शन आ रहा है। हाँ, पहले कुछ था कि आप 30 दिन के बाद 60 दिन के बाद अप्लाई कीजिए, वो कुछ अलग चीज है, लेकिन गाइज अगर आप लोग सही टाइम पर रिपेमेंट नहीं करेंगे सो इस प्रकार का गाइज एक बार अगर ऑप्शन आ जाता है ना तो ये कब हटेगा, आज तक मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। हाँ, आने वाले काल पर मेरा नॉलेज मेरा एक्सपीरियंस होते रहेगा एंड पूरा का पूरा चीज़ें आप सबके साथ मैं बेहतरीन ढंग से शेयर करने का कोशिश करूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही।